सबसे पहले यहाँ पर सभी बैठे हुए लोगों का मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत गौर, डायरेक्टर ऑफ एडवांस फिजियोथेरेपी एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर, विच इज अ चेन ऑफ फिजियोथेरेपी क्लिनिक ऑल अक्रॉस इंडिया। राइट नाउ प्रेजेंटली वी हैव द 9 सेंटर्स इन विच थ्री आर लोकेटेड एट द वेस्ट बंगाल एंड द 4 आर लोकेटेड एट द दिल्ली एंड 1 इज लोकेटेड एट द राजस्थान। अबाउट अस, एक्चुअली वी आर डीलिंग इन द 5 मेन स्पेशलाइजेशन। फर्स्ट इज लो बैक पेन, सेकेंड इज शोल्डर पेन, देन नेक पेन, नी पेन एंड पैरालिसिस। एक्चुअली आप लोगों को सरप्राइज होगा कि डॉक्टर के पास जाने वाला हर 5th पेशेंट लो बैक पेन का है। सेकेंड, जो भी लोग हम लोग हैं उसमें 80% लोगों को लाइफ में कभी ना कभी बैक पेन होता ही होता है। सेकेंड, यदि हम लोग कंफर्ट में नहीं है तो इससे कहीं ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए मेडिसिन पे ही खर्चा होता है, बाकी दूसरी चीजों पर भी होता है। इसमें हमारे जो एक्सपेंसेस हैं उसमें हमारे मेडिसिन के साथ साथ, सर्जरी के साथ साथ और भी दूसरी चीजों पे होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति पेन के अंदर है तो वो कंफर्टेबली काम नहीं कर सकता, तो उसका आउटपुट भी अपने ऑटोमेटिकली घट जाएगा। तो हमारी कोशिश ये है कि आई गॉट ए अपॉर्चुनिटी टू गो टू जापान सुकुबा यूनिवर्सिटी, वेयर आई हैव गॉट द ट्रेनिंग रिगार्डिंग द एडवांस टेक्निक ऑफ द फिजियोथेरेपी। तो वहाँ पर ऑस्टियोपैथी, मलिगन टेक्निक और ऐसी बहुत सारी टेक्निक हैं जिसके अंदर जो सीवियर लो बैक पेन हो, नेक पेन हो, शोल्डर पेन हो या नी पेन हो, उनका विद इन वन मिनट 20% से लेकर 80% तक रिलीफ दिया जाता है विद इन वन मिनट। क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, देखिए ठीक होने के लिए या कोई भी अगर पेशेंट होता है, सबसे पेशेंट और डॉक्टर को यदि मैं डिफाइन करूं तो प्रॉब्लम और सॉल्यूशन। पेशेंट के पास कोई प्रॉब्लम है और डॉक्टर के पास उसका सॉल्यूशन है। तो जब हम लोगों ने अपनी फिजियोथेरेपी क्लिनिक शुरू किया, क्योंकि 2004 25 फरवरी को मेरे खुद के फादर को पैरालिसिस हुआ था, और क्योंकि उसके में हमें जानकारी नहीं थी, इस वजह से जिनसे हम उनका इलाज करवाया, दे आर नॉट वेल क्वालिफाइड एज वेल एज दे वर द क्विक, तो वी डिडंट गेट द रिजल्ट व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग। पैरालाइज्ड पेशेंट के अंदर 3 मंथ तक यदि सही ट्रीटमेंट ना मिले तो कॉन्ट्रेक्चर डेवलप हो जाते हैं, इट मींस कि वो ज्यादा आसानी से ठीक नहीं हो पाए। तो हमारी कोशिश ये थी कि पैरालाइज के बारे में, चाहे वो नेचुरोपैथी में ट्रीटमेंट हो, आयुर्वेद में ट्रीटमेंट हो, होम्योपैथी में ट्रीटमेंट हो, एलोपैथी में ट्रीटमेंट हो, यूनानी में ट्रीटमेंट हो, रेकी में ट्रीटमेंट हो, सिद्धा में ट्रीटमेंट हो, मैंने ये सभी सर्टिफिकेट कोर्स किए सिर्फ ये देखने के लिए किस तरीके से अपने मरीजों को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आराम दिया जा सके। तो इसी वजह से जितने भी वर्ल्ड के अंदर जितनी भी फेमस टेक्निक थी, हम लोग लगातार उनको सीखते रहे। अपने 5 साल 2011 से लेकर मैंने केम बैक फ्रॉम जापान 2016 पूरी तरीके से इन्वेस्ट किया सिर्फ लर्निंग लर्निंग और लर्निंग में। उसके बाद 2016 के अंदर हम लोगों ने एक कंपनी खोली जिसका नाम है प्रत्यवर्तन भूमि प्राइवेट लिमिटेड, हुज वर्क इज टू क्रिएट सर्च एंड पॉलिश टैलेंटेड डॉक्टर्स इन इंडिया। आवर टारगेट ऑडियंस और पेरेंट्स, दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे घर में हमारे पेरेंट्स रहते हैं, सीनियर सिटीजन रहते हैं, और सीनियर सिटीजन को किसी न किसी रूप में कोई ना कोई ज्वाइंट पेन की प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो हमारी कोशिश ये थी कि जो भी जिनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती है, पहला हमारे सीनियर सिटीजन, सेकेंड हमारे जो हाउस वाइफ है, दे आर द मोस्ट कॉमनेस्ट पीपल रिगार्डिंग द ज्वाइंट पेन, तो उनको किस तरीके से घर पर बैठे ही इलाज दिया जा सके, उनको किस तरीके से चीजें बताई जाए। हमारे यहाँ पर सेल्फ मैनेजमेंट अर्थात होम मैनेजमेंट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है। जहाँ पर कहीं दूसरी जगह फिजियोथेरेपी के लिए दी जाते हैं तो पेशेंट को 1 महीने से लेकर 3 महीने तक का कोर्स रहता है, हमारी कोशिश रहती है कि 1 सेशन से लेकर 3 सेशन के अंदर उसको कंप्लीट ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट उसको हैंड टू हैंड पॉसिबल कर देगा। वी हैव ट्रीटेड मोर देन 10,000 पेशेंट इन द लास्ट 8 ईयर्स एंड वी हैव गॉट अ वंडरफुल रिजल्ट। वी यूजुअली टेक द फीडबैक फ्रॉम द अवर पेशेंट्स and we got 94% positive results. It's about myself. She's Dr. Mahima Gaur as well as my wife. She is a neurotherapy specialist. So she is also the head of department of the Mission Paralyzed Free India. Dosto, जहाँ तक डॉक्टर्स के साथ जो प्रॉब्लम्स आती है, जो मेरे साथ पर्सनल लेवल में प्रॉब्लम आई, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि बीइंग ए डॉक्टर हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं लेकिन मैनेजमेंट और मार्केटिंग के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं होती।
यही वजह है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वो कॉर्पोरेट्स के हॉस्पिटल्स हैं, जिनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि वो उनको एक टारगेट रेवेन्यू दे ही दें। इस वजह से डॉक्टर्स को ना चाहते हुए भी कई बार अननेसेसरी टेस्ट और अननेसेसरी सर्जरी करनी पड़ती है। यही वजह है कि आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें इंडिया के अंदर क्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, वी आर ऑन द 112th रैंक। इट मींस बांग्लादेश और नेपाल वो भी हमसे आगे हैं। रीजन कमीशन बेस्ड प्रैक्टिस, मैनेजमेंट कोटा इन कॉलेज एडमिशन। तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए ये था, हमारी कंपनी के लिए था कि किस तरीके से इंडिया के अंदर क्वालिटी ऑफ हेल्थ प्रैक्टिस शुरू की जाए। और इस चीज का ध्यान रखा जाए कि जो डॉक्टर्स हैं, जो जेन्युइन फीस या सैलरी उनकी बनती है वो भी ना कम हो, साथ ही साथ पेशेंट को बेस्ट पॉसिबल केयर मिल सके। इसी चीज के लिए हम लोगों ने लगातार हम लोग अपने टाई अप्स करते रहे। इसी दौरान मैनेजमेंट, मार्केटिंग और फाइनेंस को सीखने के लिए लास्ट ईयर सर्टिफिकेट इन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम IIT दिल्ली, वहां से मैंने किया ताकि इन सारी चीजों को सीखा जा सके। और हमारी पूरी कोशिश ये थी कि इंडिया के अंदर आने वाले 8 सालों के अंदर हमारा टारगेट है, हमारा विजन है कि इंडिया के अंदर सबसे अच्छी हेल्थ सर्विस हो और सबसे सस्ती हेल्थ सर्विस हो, जो कि बॉटम से लेकर टॉप लेवल को एक समान मिल सके। और दूसरा, क्योंकि हमारा ये मानना है, हमारी कंपनी का, हमारी फाउंडेशन का हमारा ये विजन है। देखिए दोस्तों, आप में से हम जितने भी लोग हैं फाइनेंशियली कोई किसी भी फैसिलिटीज को अवेल कर सकता है, लेकिन व्हाट वी फील, यदि कोई व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको जो मिले ट्रीटमेंट वो एक ही होना चाहिए। पीपल शुड गेट द ट्रीटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिसीज, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटस। दोस्तों, अपनी कंपनी को पूरी तरीके से एस्टेब्लिश करने के लिए सर्टिफिकेट एंटरप्रेन्योरशिप के दौरान IIT के अंदर जो मैंने सबसे बहुत ही ब्रीफ में यदि बात करूं तो किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के लिए 5 पिलर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी कोई भी कंपनी, उसमें लगातार इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। सेकेंड, मैनेजमेंट। आप जो भी सर्विस या प्रोडक्ट दे रहे हो क्या वो टाइमली डिलीवर हो भी पा रहा है या नहीं हो पा रहा। थर्ड, मार्केटिंग। मिनिमम टाइम के अंदर, मिनिमम इन्वेस्टमेंट के अंदर मैक्सिमम लोगों तक आप अपनी बात पहुंचा पाओ। दिस इज ऑल अबाउट मार्केटिंग। फोर्थ वन, फीडबैक। आपने जो कहा, आपने जो किया, क्या वो लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इन लोगों की फीडबैक। फिफ्थ वन इज द फाइनेंस, कि आप जो भी काम करो अंटिल और एनलेस जब तक आपके रेवेन्यू में से प्रॉफिट जनरेट नहीं होगा, आप उस काम को लगे लंबे समय तक कर ही नहीं सकते। तो इन पांचों चीजों के लिए हम लोगों ने पूरी 5 एक्सपर्ट की टीम को अपने साथ रखा, जिसके अंदर डॉक्टर रवि कौशिक, ही इज MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट, डायरेक्टर ऑफ क्यूसेंट रिसर्च एंड सॉल्यूशन। ही इज डॉक्टर मोहित मुदगिल, विच इज द प्रेसिडेंट ऑफ हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी, हैविंग मोर देन 5,000 फिजियोथेरेपिस्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर उमर, ही इज ए होम्योपैथ डॉक्टर। ये हमारे साथ कुछ एक लोग एसोसिएट हुए हैं, मिस्टर अरुण जैन, और हमारे नारंग सर। कभी भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती थी फाइनेंस से रिलेटेड या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो मैं इनसे सर से हमेशा पूछता था। सर ने हमेशा मुझे बहुत 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 अच्छे तरीके से एडवाइस किया। डॉक्टर हरप्रीत सिंह, ही इज द इंडियाज टॉप मोस्ट न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट। इंडिया के अंदर इनसे ज्यादा जानकारी पैरालिसिस के बारे में किसी के पास नहीं होगी, व्हाट वी फील। एंड ही इज द मेंटर एंड द एडवाइजर ऑफ अवर मिशन पैरालिसिस फ्री इंडिया। डीन मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। दोस्तों, आपस में लोगों को पता होगा कि इस समय मोदी जी ने एक टीम बनाई है 8 लोगों की, जिसके अंदर ओलंपिक का उन्होंने टारगेट रखा हुआ है 2024 और 2028 का, जिसके अंदर हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा गोल्ड मेडल मिल सके। उस टीम के जो हेड है वो मेरे सीनियर सर है। ही इज ये अर्लियर वाज द डीन ऑफ द मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, नाउ ही इज हेड ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, MD फिजिशियन। इसके अलावा हमारी जो कंपनी के मेंटर है, ही इज मिस्टर अशोक कमल, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड इनकम टैक्स एक्सपर्ट, having consultant more than 600 companies, and he has an IIT bachelor in IIT from Kanpur and management course from Delhi IIT. Our module, दोस्तों ये हमारा module है जो हमारे physiotherapists हैं उनको training देने के लिए कि वो किस तरीके से अपने आप को specialist कर सकते हैं। Future projections, हमारी कोशिश है ये 2025 तक हम लोग इंडिया के अंदर टॉप मोस्ट डॉक्टर्स की टीम तैयार करें।
और इसके अलावा दोस्तों हमारी पूरी कोशिश ये है कि जितने भी इस समय मेडिकल फील्ड के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो क्वैक्स और क्वालिफाइड की है। बीइंग ए जनरल पर्सन किसी को नहीं पता होता कि कौन क्वैक है कौन क्वालिफाइड है। हम लोग एक और अपनी ऑनलाइन पोर्टल लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर अगर आपको किसी भी डॉक्टर को चेक करना हो तो आप चेक कर सकते हो इज ही क्वालिफाइड और नॉट है। थैंक यू वेरी मच।